थैंक यू थैंक यू थैंक यू. हेलो माई डियर लवली हैप्पीनेस फैमिली, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस लव टाइम एंड रिस्पेक्ट. फ्रेंड्स आई हर्टली वेल अलॉट योर ऑल ब्लेसिंग्स ऑल प्रेयर्स दैट यू ऑलवेज शावर ऑन माई हैप्पी यूनिवर्स. यू नो वेरी वेल हैप्पीनेस इज अ चैनल ऑफ सर्विंग द हैप्पीनेस. वैन वी जस्ट हैप्पी फर्स्ट ऑफ ऑल विद इन अवर सेल्फ, वी रियली रिफ्लेक्ट द रियल वाइब्रेशन टू द यूनिवर्स एंड इट विल कम बैक टू अस एंड विल रिफ्लेक्ट ऑन ईच अदर. सो आई वॉन्ट यू जस्ट रिफ्लेक्ट ऑन अस बाई कीप स्माइल इन योर फेस एंड यू जस्ट क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन ऑफ माई हैप्पी यूनिवर्स. सब्सक्राइब योर हैप्पीनेस, क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन ऑफ ऑल वीडियोज सो दैट यू आर द फर्स्ट वन टू गेट ऑल द अपकमिंग वीडियोज ऑफ माई हैप्पी यूनिवर्स. सो फ्रेंड्स स्टे ब्लेस्ड एंड नो फर्दर डिले, लेट स्टार्ट द वीडियो वट वी हैव डिस्कस टिल नाउ बिकॉज टुडे इज अ फ्राइडे स्पेशल वीडियो. एंड फ्रेंड्स आई एम वेरी सॉरी फॉर द लेट अपडेशन ऑफ द वीडियो बिकॉज ऑफ द सम नेटवर्क वाइसेज. सो फ्रेंड्स आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट दैट कि वट वी हैव डिस्कस टिल नाउ. वी हैव डिस्कस विद फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू गॉड फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स. नेक्स्ट फ्रेंड्स ऑल कोर्सेज ऑफ द नर्सिंग स्ट्रीम दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर कैरियर. नेक्स्ट फ्रेंड्स वी हैव कंप्लीटेड 3 यूनिट्स ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फॉर बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर अकॉर्डिंग टू द INC सिलेबस. हाफ पोर्शन ऑफ द 4th यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम वी हैव कंप्लीटेड एंड टुडे इज द लास्ट टॉपिक अकॉर्डिंग टू सिलेबस दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. सो मे आई स्टार्ट? First of all, be happy because I have one thing to you. Yesterday, I just show you how to prepare that barfi, dhodha barfi. So you want to see? Because I really feel very good and I will show you that how it's giving a nice texture and nice look and very tasty taste. तो चलिए फ्रेंड्स दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि आपको शायद किसी भी तरह की नाराज़गी नहीं रहनी चाहिए थी कि हमने आपको ये दिखाई नहीं, क्योंकि आपको पता ही था ये सेट तो उस टाइम हो चुकी थी तो इतना टाइम हम और नहीं ले सकते थे कि उसको सेट होने के लिए थोड़ा टाइम. हमने इसको रेफ्रिजरेट किया है और रेफ्रिजरेट करने के बाद फ्रेंड्स इसके कुछ जो हमने कटलेट्स कट किए हैं स्क्वेयर शेप के कुछ इस तरह से हैं देखिए. और ये बिल्कुल बार्बन बिस्किट जैसी लुक दे रही है ना. मैंने आपसे कहा था कि जो चीनी है मैं इसको वैसे ही रखना चाहती हूँ ताकि बहुत अच्छी लुक दे. तो ये कुछ इस तरह के हैं. प्लीज़ इन्जॉय इट और आपकी खुशी के लिए मैं थोड़ा सा आपके लिए टेस्ट करती हूँ. तो आई होप फॉर टू यू फर्स्ट एंड आई टेस्ट वन. फ्रेंड्स इट्स वेरी अमेजिंग बिकॉज इट्स जस्ट गिविंग द टेस्ट ऑफ प्योर घी, जिसमें आपको आपको जैसे होता है ना कि खाना खाने के बाद एक बहुत ज़्यादा हमें एक सलाइवेशन होती है कि कुछ मीठा मिल जाए, लाइक चॉकलेट खाते हैं हम समटाइम, ये उस तरह का टेस्ट दे रहा है. आप इसे ज़रूर ट्राई करें और इससे क्या होगा, नर्वस सिस्टम अच्छे से काम करेगा. क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रही हूँ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. वेल फ्रेंड्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से आप क्या समझ रहे हैं, क्योंकि ऑटो का मतलब है जो चीज़ें अपने आप होती हैं. अपने आप क्या, अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक पार्ट है हमारे नर्वस सिस्टम का, जो जब हम समटाइम अनकॉन्शियस स्टेट में भी होते हैं, रेस्ट में भी होते हैं, हम सो भी जाते हैं, तब भी ये हमारे दिमाग का सिस्टम जो है वो काम करता रहता है. मैं इसे बहुत सिंपल में बता रही हूँ. तो फ्रेंड्स एग्जांपल बता दूँ इसका, या समटाइम मान लीजिए कोई पर्सन अगर बेहोश भी हो जाता है या हम सो भी जाते हैं तो क्या हमारा दिल धड़कना बंद कर देता है, हमारा डाइजेशन सिस्टम काम करना बंद कर देता है? नहीं करता ना. हमारी सांसें चलती रहती हैं, हमारी बॉडी का हर सिस्टम काम करता रहता है. वो किसकी वजह से करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की वजह से. ठीक है, अब आगे इसमें दो सिस्टम हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. फ्रेंड्स हमेशा ही इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि जो पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या है, क्योंकि हमने कल इसी की ही बात की थी. कि जैसे कि मैंने एग्जाम्पल आपको बताया कि जब भी हमारी बॉडी एग्जांपल जब भी हम रेस्ट पे होते हैं या हमारी बॉडी रिलैक्स होती है. अब एग्जांपल बताऊंगी आपको, बहुत फ़नी भी लग सकता है लेकिन ऑन द मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें और डे टू डे लाइफ में हम इन चीज़ों को बहुत एक्सपीरियंस करते हैं. फ्रेंड्स जैसे अगर हम यूरिनेट करते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा मैच्योरेशन हो रहा है, आप जब भी इमीडिएटली आप यूरिनेट करते हो तो उसके बाद क्या होता है, बॉडी इज़ फीलिंग टू रिलैक्स्ड. आपको लगता है कि ना जाने मेरे अंदर से कितना बोझ बाहर निकल गया है. ये हमारी बॉडी का नेचुरल सिस्टम है. एग्जांपल अगर आपकी जैसे मान लीजिए अगर आप सांस भी ले रहे हैं, आप अपनी सांस को अपने लंग्स को जब रिलैक्स करते हैं तो यू फील दैट कि आई फील वेरी रिलैक्स्ड. आप कहीं सफोकेशन में हो, कहीं सफोकेटेड फील कर रहे हो, यू फील वेरी रिलैक्स्ड. जब आपके लंग्स को गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा तो क्या होगा, आप रिलैक्स फील करोगे. मतलब जब भी हमारी बॉडी में, तो आप देख सकते हैं इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडीज रेस्ट, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडीज रेस्ट एंड
डाइजेशन एंड टेक द बॉडी ऑन रेस्ट एंड रिलैक्स मोड, मतलब कि हमारी बॉडी को ये पूरी तरह से उस रिलैक्स मोड पे लेके चला जाता है. एग्जाम्पल ऑफ पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम. ठीक है, और फ्रेंड्स आगे बता देती हूँ, ये ज़्यादा डिटेल में आप बुक्स से कर सकते हैं, रोजन विल्सन की बुक से कर सकते हैं, केपी निर्जा की बुक्स होती हैं, बहुत अलग अलग राइटर्स की बुक्स हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप सबसे बेस्ट जो है वो अपने नोट्स प्रिपेयर करें, अपना कंटेंट तैयार करें, अपनी नॉलेज के बेस पे समझकर, नो रटाफिकेशन, ताकि आप ईजिली चीज़ों को समझ सकें और उसे याद करना भी अच्छा हो और हेल्दी डाइट के साथ. ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, आज मैंने ज़्यादा डेकोरेशन नहीं किया आपके लिए. इट डायरेक्ट द बॉडीज रैपिड इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स टू डेंजर. अब मैंने आपको कल बताया वॉलेंट्री चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में है, अब इनवॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, एग्जांपल हमारा दिल धड़कता है, हमारे कंट्रोल में नहीं है. हमारी बॉडी में बहुत से सर्कुलेशन सिस्टम होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स की बहुत से फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते रहते हैं जो हमें कभी पता नहीं चलते, चाहे वो फिर रेस्पिरेशन हो, चाहे वो यूरिनेशन का सिस्टम हो, एक्सक्रीशन का सिस्टम हो, मेटाबॉलिज्म का सिस्टम हो, हर एक सिस्टम जो हमारी बॉडी में अपने आप होता है, लेकिन वो हमारे कंट्रोल में नहीं है. तो वो चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, मरना हमारे कंट्रोल में नहीं है. तो फ्रेंड्स ये सब चीज़ें क्या हैं, इनवॉलेंट्री, वो चीज़ एक्सक्यूज़ मी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. ठीक है, तो एग्जांपल जैसे कि हम मोस्टली देखते हैं स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में, एग्जांपल स्ट्रेसफुल सिचुएशन में क्या होता है, जैसे कि एक्सक्यूज़ मी सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. अब जैसे कि फ्रेंड्स हम देखते हैं हाइपर स्टिमुलेशन हो जाता है, हम कोई भी चीज़ के बारे में सुनते हैं, कोई आप ऐसी खबर सुनते हो, बुरी खबर सुनते हैं, किसी की डेथ की बात सुन लेते हैं, या किसी भी फ्रेंड्स के साथ, या कोई भी आप ऐसी बात सुनते हैं जिसको आप टॉलरेट नहीं कर सकते, तो क्या होता है, दिल घबराता है, एनजाइटी होती है, किसी का बीपी हाई हो जाता है, किसी को बहुत ज़्यादा सांस आनी स्टार्ट हो जाती है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है. तो फ्रेंड्स दैट इज़ द हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं. एग्जांपल जैसे कि इसमें सबसे ज़्यादा मेन जो होगा वो होगा टैकीकार्डिया. टैकीकार्डिया होता है जब हमारा हार्ट रेट जो है वो 100 से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है. ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन हमारा ब्लड प्रेशर जब 140/90 mmHg से ज़्यादा हो जाता है तो हम उसको हाइपरटेंशन में कैटेगराइज कर लेते हैं. मैंने आपको पहले ही बताया कि इसकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं, जिन स्टेजेस पे जाके जो है हम डायग्नोज करते हैं कि ये प्राइमरी स्टेज है या सेकेंडरी स्टेज है, कौन सी स्टेज है. ठीक है, नेक्स्ट इज़ द और भी बहुत ज़्यादा, जैसे कि मसल रिजिडिटी हो जाती है. हम देखते हैं बहुत से जो लोग होते हैं, कुछ लोगों के ऐसे मसल्स बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, हार्ड हो जाते हैं. तो ये सम टाइम कहीं ना कहीं एग्जांपल्स हैं हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के, और ये मोस्टली देखा जाता है स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में. ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कुछ कंक्लूजनली एग्जांपल भी बता दूँ कि कुछ लोगों को अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन और डिफरेंस ना पता चले, तो सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक में एक्चुअली में डिफरेंस है क्या. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइट और फ्लाइट, मतलब इसमें हम लड़ने का, ज़िंदगी और मौत से लड़ने वाली सिचुएशन हो जाती है, या तो आप आज़ाद हो जाते हो या फाइट करते हो उस डेंजर सिचुएशन में, ऐसा ही होता है ना. नेक्स्ट फ्रेंड्स पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि हमारी बॉडी को एक रिलैक्स मोड पे लेके चला जाता है, कूल स्टेज पे, काम स्टेज पे लेके चला जाता है, जिसका एग्जांपल मैंने बता दिया, चाहे वो डाइजेशन प्रोसेस हो, चाहे वो यूरिनेशन प्रोसेस हो, कोई भी प्रोसेस हो, हमारी बॉडी जहाँ पे रिलैक्स मोड पे आती है, दैट इज़ ड्यू टू द पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम. तो आई होप फ्रेंड्स नर्वस सिस्टम हैज़ कम्प्लीटेड. ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, जो कुछ भी थे वो हमने कंक्लूजनली बेस पे इन्हीं वीडियोस के थ्रू इनको कवर अप किया है. आप हो सकता है इनमें से बहुत सी हेल्प ले सकते हैं, और हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताएंगे, और बाकी नर्सिंग से रिलेटेड जितने भी जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर उन क्वेश्चंस को भी अपलोड करेंगे. और तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, अपने अपना ख्याल रखिए, और हमें अपनी खुशियों में और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए, ताकि हम आपके लिए और भी बहुत कुछ खास ऐसे कंसेप्ट्स और ऐसे प्रोजेक्ट्स पे आपके लिए काम कर सकें. वो बातें जो आप नोटिस तो करते हैं, लेकिन हम आपको वो हर चीज़ की डीप एक्सप्लेनेशन देंगे विथ माय हैप्पी यूनिवर्स शालिनी वन. मंडे स्पेशल में बातें करेंगे सोल नंबर्स की, तो जानिए कि आपका सोल नंबर क्या है और क्या खासियत है आपकी, और आपके सोल नंबर के अकॉर्डिंग आखिर आप क्यों आए हैं इस दुनिया में, आपको जानना है. तो मंडे स्पेशल में बने रहिए, क्योंकि इस बार के मंडे स्पेशल में मैंने आपको कुछ नहीं बताया. वो मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम आपके लिए कुछ स्पेशल और यूनिक लाने वाले हैं.
तो बने रहिए, अपना ख्याल रखिए. आई लव यू ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई स्पिरिट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग योर ऑन चैनल माई हैप्पी यूनिवर्स, बिकॉज यू आर जस्ट वॉचिंग योर हैप्पीनेस. स्टे ब्लेस्ड. बाय बाय. टेक केयर.